दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस नए प्रोग्राम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले लोक पर्वों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम हर शनिवार को छत्तीसगढ़ के किसी एक लोक पर्व की चर्चा करेंगे, जहाँ पर जानेंगे कि इस लोक पर्व को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मनाया जाता है। आज है नवरात्रि का नौवां दिन, अर्थात देवी सिद्धिदात्री की उपासना का दिन। शक्ति उपासना के इस महापर्व को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को अपने अपनी परंपरा और अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां गुजरात में ये देवी अम्बा की आराधना का पर्व है, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल में ये देवी दुर्गा की पूजा का पर्व है। गुजरात में देवी अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और शक्ति के आह्वान के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा गरबा नृत्य किया जाता है, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल में खप्पर में नारियल का मुरादा जलाकर उसे हाथ में रखकर महिलाओं के द्वारा देवी दुर्गा की पूजा में धुनूची नृत्य किया जाता है। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी इस पर्व को अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के पर्व के अवसर पर एक अनोखी परंपरा है, जिसके बारे में सोचकर ही आपके दिल की धड़कनें रुक रुक कर चलने लगे, और ये परंपरा है सांगबाना देने की। नवरात्रि में विसर्जन के दौरान यहाँ के भक्तों के द्वारा देवी दुर्गा की उपासना में सांग बाना दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विविधताओं से भरा है ये पर्व। देखिए, अवसर एक है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व ना केवल इनके धर्म और आस्था से जुड़ा है, बल्कि ये इनकी संस्कृति, इतिहास और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के पर्व को वर्ष में दो बार मनाया जाता है, एक तो चैत्र माह में और दूसरा कुवार के महीने में। चैत्र माह में मनाए जाने वाले नवरात्रि को गुप्त या सुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। ये बसंत ऋतु के समापन का और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का समय है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है, और हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नव वर्ष भी चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है। इस समय माँ दुर्गा और उनकी शक्ति की उपासना की जाती है, मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है, कलश की स्थापना की जाती है, मेलों का आयोजन किया जाता है, हजारों भक्तों के द्वारा देवी दुर्गा के दर्शन किए जाते हैं, उनके द्वारा मनोकामनाएं मांगी जाती है, ज्वारा बोया जाता है और चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वास्तव में नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए 9 दिन के युद्ध की कहानी है। देवी परंपरा के अनुसार महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान पाया था, जिसके अनुसार महिषासुर को कोई भी मानव, दानव या देव, इन तीनों में से कोई भी पुरुष उसकी मृत्यु नहीं कर सकता था। महिषासुर ने उसके बाद पूरे स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। देवतागण उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनसे युद्ध किया। ये युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा, और 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। तब से देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाने लगी। ये दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, और तब से लेकर आज तक सत्य और धर्म की जीत के रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें। इन 9 रात्रियों में देवी दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के ये 9 शक्ति रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। छत्तीसगढ़ में भी देवी दुर्गा के अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। जहां दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी, राजनांदगांव में माँ पातेलेश्वरी, डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी, महासमुंद में माँ चंडी, रायपुर में माँ महामाया, कोरबा में माँ सर्वमंगला, जांजगीर चांपा में माँ चंद्रहासिनी और रतनपुर में माँ महामाया। इन मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन ही भक्तों के द्वारा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड दीप जलाया जाता है,
कलश की स्थापना की जाती है, जवारा बोया जाता है, जस गीत के माध्यम से देवी की सेवा आराधना की जाती है, 9 दिनों तक यहाँ मेलों का आयोजन किया जाता है और दूर दूर से लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को अलग ही तरीके से मनाया जाता है। जैसा कि हमको पता है कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है, 80% जनसंख्या कृषि या कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है और इसीलिए यहाँ नवरात्रि के अवसर पर जवारा का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर विशेष तौर पर जवारा बोया जाता है और इसे ही देवी का स्वरूप माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जवारा बोना को कहते हैं बिरही भिगोना। ग्रामीण अंचलों में इसे बहुत ही धूमधाम से जवारा पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार प्रत्येक परिवार को 3 साल में कम से कम एक बार जवारा बोना जरूरी होता है। इस पर्व की तैयारी कुछ दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। लोग अपने घरों की लिपाई पोताई करके उसका शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद प्रारंभ होता है नवरात्रि का पहला दिन अर्थात क्वार शुक्ल प्रतिपदा का दिन। इस दिन घरों में, मंदिरों में और पंडाल बनाकर माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। माता की प्रतिमा बनाने के लिए 7 स्थानों की मिट्टी लाई जाती है। इन 7 स्थानों को शक्ति केंद्र के रूप में माना जाता है। ये 7 स्थान हैं, जहाँ 2 शेर लड़ते हैं उस स्थान की मिट्टी, जहाँ 2 हाथी लड़ते हैं उस स्थान की मिट्टी, जहाँ 2 सांड लड़ते हैं उस स्थान की मिट्टी, सांप के बॉबी की मिट्टी, पहाड़ की मिट्टी, मैदान की मिट्टी और वैश्या के आंगन की मिट्टी। इन्हीं 7 शक्ति केंद्रों से देवी दुर्गा के विग्रहों को बनाया जाता है और उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर उसके बाद प्रतिमा के समीप एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम खेत बनाया जाता है। इस खेत को बनाने के लिए भी 7 प्रकार के खेतों की मिट्टी लाई जाती है। ये 7 प्रकार के खेत हैं, जहाँ गेहूँ बोया जाता है, चना बोया जाता है, लाख बोया जाता है, धान बोया जाता है, कोदो बोया जाता है, अलसी बोया जाता है और तालाब के किनारे की मिट्टी। तो इस प्रकार से 7 स्थानों की मिट्टी को लाकर इस आर्टिफिशियल खेत को बनाया जाता है, जिसे माता की फुलवारी कहा जाता है और उसके बाद इसमें अन्न बोया जाता है। ये अन्न वही अन्न है जो कि आने वाले फसल में बोए जाने वाले हैं, अर्थात रबी फसल के अन्न। तो इस प्रकार से चना, लाख, उड़द, गेहूँ, अरहर, जौ, इन अन्न को इस आर्टिफिशियल खेत में बोया जाता है। फिर उसके बाद देवी दुर्गा की उपासना में, उनकी आराधना में और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अखंड दीप जलाया जाता है। अखंड दीप अर्थात ये दीप 9 दिनों तक जलने वाला है और 9 दिनों तक लगातार जलने के लिए इसमें विशेष प्रकार की बाती को जलाया जाता है। इस विशेष प्रकार की बाती को बनने के लिए बैगा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे बैगा के द्वारा ही भरा जाता है और फिर कलश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, माता की फुलवारी बनाई जाती है, उसमें अन्न बोया जाता है, अखंड दीप जलाया जाता है और कलश की स्थापना की जाती है। फुलवारी में बोया गया ये अन्न 4-5 दिनों के बाद एक पौधे का रूप धारण कर लेता है और इसे ही कहा जाता है जवारा। ये जो पौधा है ये आने वाले फसल के अच्छे बुरे होने का प्रतीक होता है। भक्त इस अन्न को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर इसकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और इसकी आराधना में जस गीत गाते हैं। इस जस गीत में देवी धनैया और देवी कोदैया की पूजा की जाती है। बार बार इस गीत में देवी धनैया और देवी कोदैया का नाम आता है। ये दोनों फसलों की देवी है, देवी धनैया अर्थात धान की देवी और देवी कोदैया अर्थात कोदो की देवी। ये दोनों की दोनों देवियाँ मूल मातृका देवी दुर्गा की सखियाँ हैं। इस गीत में देवी दुर्गा को बूढ़ी दाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से लगातार 9 दिनों तक इस जवारा की पूजा की जाती है, इसकी सेवा की जाती है और इनकी सेवा आराधना में जस गीत गाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ अंचल में ऐसा मानना है कि देवी का जगमोहिनी रूप पंचमी से शुरू होता है और इसीलिए नवरात्र के पंचमी के दिन देवी दुर्गा की, या फिर हम ये कहें जवारा स्वरूप देवी दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें कीट प्रकोप से बचाने के लिए चीला खिलाया जाता है और फिर आता है नवरात्रि का 8वां दिन।
इस दिन नवाखाई का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि हमको पता है कि अभी अभी खरीफ फसल का अन्न घर में आया है, तो इस नए अन्न का उपयोग करने से पहले ये लोग अपने देवी देवता को, अपने कुल देवता को नया अन्न अर्पित करते हैं और नवाखाई का पर्व मनाते हैं। नवरात्रि के आठवें दिन रात को जगराता का आयोजन किया जाता है, जस गीत गाया जाता है और देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। अब आता है नवरात्रि का नौवां दिन। नवरात्रि के नौवें दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा और जवारा को विसर्जित किया जाता है। इसके लिए एक लंबी शोभा यात्रा निकलती है जो कि आसपास के नदी तालाबों में जाकर समाप्त होती है और यहाँ पर देवी दुर्गा की प्रतिमा को और जवारा को विसर्जित कर दिया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने सर में कलश को रखकर और उस फुलवारी के जवारा को एक बांस की बनी टोकनी में रखकर, इस बांस की बनी टोकनी को छत्तीसगढ़ी में झेंझरी कहा जाता है, इसे अपने सर में रखकर कतारबद्ध होकर शोभा यात्रा के लिए निकलती है। ऐसी लोग मान्यता है कि महिला के सर पर जवारा चढ़ी नहीं कि भक्तों में देवता चढ़ जाते हैं और यही देवता भक्तों से सांग चढ़ाने की मांग करते हैं। हाँ, ये वही नवरात्रि के विसर्जन का अवसर है जहाँ पर देवी दुर्गा के हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा सांग बाना चढ़ाया जाता है। सांग बाना वास्तव में लोहे की एक रॉड होती है जिसका ऊपरी सिरा पतला और नुकीला होता है। बैगा इसके ऊपरी सिरा में नींबू निचोड़कर उसमें घी डालकर भक्त के गाल के दाएं ओर से छेद करके उसे बाएं ओर से निकाल देता है। ये अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि सांग द्वारा छेदे गए उस हिस्से में रक्त नहीं बहता है, रक्त निकलता ही नहीं है। कई लोग इसे बैगा की बुद्धि कहते हैं तो कई लोग इसे माता का प्रताप कहते हैं। देखिए, बैगा स्किन के उस हिस्से से उस सांग को छेद करता है जहाँ पर नसों का जाल कम होता है और यही कारण है कि उस जगह से रक्त नहीं बहता है या फिर थोड़ा बहुत ही बहता है। देवी की शक्ति से ओतप्रोत इन श्रद्धालुओं के ना केवल गाल को, नाक को, जीभ को, बल्कि पूरे शरीर को ही छेद दिया जाता है और देवी से असीम श्रद्धा का भाव रखने के कारण उस समय इन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता है। ऐसी भक्ति आपने और कहीं नहीं देखी होगी जहां श्रद्धालु दर्द में होकर भी खुशी का अनुभव करता होता है। ये है देवी के लिए उनकी भक्ति जो उनके भावों से प्रकट हो रही है। इस प्रकार से बच्चे से लेकर बूढ़े तक देवी दुर्गा के भक्तों के द्वारा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए विसर्जन के अवसर पर सांग बाना दिया जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी होती है। रायपुर शहर में भी बहुत ही भव्य तरीके से नवरात्रि के अवसर पर विसर्जन का आयोजन किया जाता है। रायपुर के अलग अलग हिस्सों से जवारा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकलती है और ये कंकालीन तालाब में जाकर रुकती है। कंकालीन तालाब में जवारा का विसर्जन किया जाता है लेकिन पूरे जवारा को विसर्जित नहीं किया जाता, इसमें से कुछ जवारा को निकाल कर वापस लाया जाता है और इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही माता की प्रतिमा को भी विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अनोखे तरीके से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को इस तरीके से पढ़कर आपको कैसा लगा? क्या इस तरीके से पढ़कर आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सकती है? क्या आप आगे भी इस तरीके से छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चाहते हैं? आपकी इसमें रुचि है? क्या आपके और कोई सुझाव हैं? यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ के बाकी लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए हर शनिवार रात 8 बजे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।